जय हिंद। इस सेशन में हम लोग सीटिंग एंड मीटिंग अरेंजमेंट का सेकंड लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली मीटिंग लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं वो परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन टाइप्स के होते हैं और इनका आंसर बहुत इजीली आ जाता है, मगर हम परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन में उलझ जाते हैं और छोटे से सवाल को इतना मुश्किल कर देते हैं कि हमें ही सॉल्व करना भारी लगने लगता है। छोटा सा सवाल जैसे कि आप ये देखें, देयर आर 8 पर्सन इन ए पार्टी, यानी एक पार्टी हो रही है, जैसे कि ये बंद हमारा एक हॉल है, इसमें 8 लोग हैं। सो द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक बाई एनी वन ऑफ देम, या अब इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है, किसी भी एक पर्सन को आपको एनीबॉडी एक्स वाई जेड किसी को ले लेना है और उसके द्वारा कितने हैंडशेक किए जा रहे हैं, मतलब कितना बार वो हाथ मिला रहा है, ये काउंट करना है। प्रॉब्लम एकदम आसान है, परमुटेशन कम्बिनेशन छोड़ दीजिए, कम्बिनेशन छोड़ दीजिए, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए ये एसएससी जेई और यूपीएससी टाइप्स क्वेश्चन में आते हैं। और जनरली जो परमुटेशन कम्बिनेशन के आते हैं वो या तो हाई लेवल बैंकिंग में या फिर इसरो गेट इन सब के बेस पे आते हैं, उनमें जो होता है ना जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन उनमें आते हैं। जनरली जो एसएससी रेलवे आर्मी और बैंकिंग वगैरह में जो क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं, वो नॉर्मली ट्रिक बेस पे आते हैं जो कि आप आसानी से सॉल्व कर सके, उसके लिए लंबा कोई मैथमेटिक्स नहीं होता। बस ये होता है कि आपको उस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है ताकि कैसे वो डिफरेंट है। देखिए 8 पर्सन, 8 लोग हैं, इनमें से हमने एक को ले लिया मिस्टर एक्स को, तो टोटल बचे सात। हैंडशेक यानी हाथ मिलाना, एक आदमी खुद से तो हाथ मिलाता नहीं और एक आदमी दूसरे से दोबारा हाथ भी नहीं मिलाता, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने होंगे, 7। यानी एक आदमी से आप दोबारा हैंडशेक नहीं करेंगे और खुद से हैंडशेक करना नहीं, तो 8 में से एक निकल गए मिस्टर एक्स, तो बचे 7। अभी ये कितने से हाथ मिलाएंगे, 7 लोगों से, तो हमारा आंसर होगा 7। अगला क्वेश्चन, टोटल 4 स्टूडेंट्स आर इन ए क्लासरूम, एक क्लासरूम है जिसमें टोटल 4 स्टूडेंट है, एवरीवन हैंडशेक ईच अदर, यानी सब लोग आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक ईच। देखिए क्वेश्चन एकदम सिंपल है, ये परमुटेशन कम्बिनेशन पे कर लीजिए, यानी क्वांटिटी मिनिमम दी हुई है, यानी 4, यानी आसान बेस पे 4 आया है। जनरली होता है क्या है कि क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, सॉल्व करना होता है 2 घंटे में, जिस कारण वो थोड़े से सिंपल क्वेश्चन देते हैं। टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक, टोटल 4 लोग हैं, तो 4C2 कर देंगे, 4 × 3 × 2 × 1, 2 × 2, 2 × 4 = 6, ऐसे भी निकाल लेंगे, या सबसे आसान तरीका होता है जिनको ये नहीं आता, बहुत से लोग होते हैं जो मैथ से नहीं करते हैं ग्रेजुएशन या फिर मैथ वो इंटरव्यू में नहीं लेते, आर्ट से होते हैं, उनके लिए सिंपल सा फॉर्मूला देखिए आप, ये लिख रखा है, इसको देखिए आसान करने का तरीका। टोटल 4 स्टूडेंट इन ए क्लासरूम, एवरीवन हैंडशेक ईच अदर, तो 4 स्टूडेंट है, हैंडशेक यानी हाथ कितने लोग मिलाते हैं, 2 लोग, तो चलिए एक नंबर हाथ मिलाना शुरू करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे, ये एक से शुरू करेंगे, सॉरी एक एक से तो हाथ मिलाएगा नहीं, हाथ मिलाएगा 2 से, फिर वो किससे मिलाएगा, 3 से, देखिए फिर मिलाएगा 4 से, मेंबर हो गए। अब दो नंबर एक से हाथ मिला चुका है, यानी राम श्याम से हाथ मिला चुका है, तो अब वो हाथ मिलाएगा 3 नंबर से, दो हाथ मिलाएगा, दो खुद से तो हाथ मिला नहीं सकता, यानी एक दो से हो गया, तो 4 से। अब 3 को लेते हैं, 3 एक से हाथ मिला चुका है, 2 से हाथ मिला चुका है, 3 एक से हाथ मिला चुका है, या मैं आपसे बात करूं या आप मेरे से बात करें, यानी हम दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो चुका है, तो 3 एक से हाथ मिला चुका है, 3 2 से, अब 3 किससे मिलाएगा, 4 से। ठीक है, अब अगर 4 की बात की जाए, 4 से तो हाथ मिलाएगा नहीं, और 4 ने 3 से मिला लिया है, 4 ने 2 से, 4 ने 1 से, यानी टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक गिनिए, काउंट कीजिए, 1 2 3
चार पांच छह, कितने आएंगे छह। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बात किया जाए तो फोर इंटू टू, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, फोर माइनस टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल इक्वल टू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, टू इंटू वन इंटू टू इंटू वन, दो दूना चार, थ्री इंटू टू इक्वल टू सिक्स। देखिए ऐसे भी आया, लेकिन जो मैथमेटिक्स से नहीं है उनको उनके लिए आसान। देखिए वो क्वेश्चन करेगा ऐसा कि हर कवर मतलब एरिया सारा कवर करेगा, लेकिन ऐसा भी करेगा कि आप आसानी से जिनको टेंथ तक जो मैट्रिक्स किए हैं उनको भी सॉल्व करना आसान हो सके, जो ग्रेजुएशन बेस पे आते हैं। हाई पैटर्न पे आएंगे उनके लिए परमिटेशन कम्पिटेशन जरूरी है, और हम जब मैथमेटिकल रीजनिंग कराएंगे, मैथमेटिकल रीजनिंग उसमें हम पूरा का परमिटेशन कम्पिटेशन सारा का सारा मैथमेटिकल मैन पावर सब कवर होगा, मैन मशीन टाइम सारे के सारे कवर होंगे। इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने दो तरीके से सॉल्व किया। अब अगला देखते हैं, देखिए फोर बॉयज एंड फोर गर्ल्स आर इन ए क्लास, एक क्लास में चार लड़के और चार लड़कियां हैं। टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक इज, अब ये सब हाथ हैंडशेक में तो हाथ मिलाएंगे तो टोटल नंबर कितना होगा, टोटल कितने हाथ मिलाए जाएंगे। देखिए अब ये आ रहा है जो हम ढूंढ रहे थे, देखिए चार इंटू चार, ये मत देखिए कि चार गर्ल्स है चार बॉयज है, ऐसा नहीं कि ये इनसे नहीं मिलाएगा ये इनसे नहीं, टर्म एंड कंडीशन नहीं दिया है तो हमें पूरा का पूरा फॉलो करना है, यानी टोटल नंबर एन इक्वल टू एट। ठीक है, कितने लोग हाथ मिलाएंगे, दो लोग, ठीक है, और एक आदमी दोबारा खुद से हाथ नहीं मिलाएगा, फैक्टोरियल मारेंगे एट सी टू, यहां पे आसानी से आप सॉल्व करें एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव, एक्चुअली ये जो होता है ना एट फैक्टोरियल बाई एट माइनस टू फैक्टोरियल एंड टू फैक्टोरियल, ठीक है, ये फिर होगा इक्वल टू फाइव फोर थ्री टू वन। अब एट माइनस सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन इंटू टू, ठीक है। अब देखिए ये एक छः से लेके पूरा का पूरा कैंसिल कर दीजिए, दो बचा, दो से इसको चार कर दीजिए, सत्र के सर चुका अट्ठाईस, 28 टाइम हैंडशेक होंगे। ये रहा जो हमें कॉम्बिनेशन से निकालने हैं। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, यहां आप लोगों ने आसानी से कॉम्बिनेशन से निकाल लिया, अब यही कर देते हैं इफ If no similar gender handshake each other, चार लड़के हैं चार लड़कियां हैं एक क्लास में, यानी टोटल आठ हैं, ये सभी हाथ मिला टोटल हाथ मिलाते हैं, मगर सिमिलर जेंडर यानी लड़का लड़कों से हाथ नहीं मिलाएगा, लड़का आपस में जैसे चार लड़के हैं तो वो चारों लड़के आपस में हाथ नहीं मिलाएंगे,
और जो चार लड़कियां हैं वो चारों आपस में हाथ नहीं मिलाएंगी। शर्त क्या है कि चारों लड़के सिमिलर जेंडर यानी कि वो जो समान लिंग के हैं, जैसे लड़के लड़के से हाथ नहीं मिलाएंगे, लड़कियां लड़कियों से हाथ नहीं मिलाएंगी, तब कितने होंगे? देखिए तब दोनों की क्वांटिटी बराबर है। देखिए दोनों की क्वांटिटी है बराबर, टोटल है 8। ठीक है, सिंपल तरीका से पहले समझने की कोशिश करेंगे। तो किसी एक को ले लेते हैं, इन चारों में से एक कितने से हाथ मिलाएगा? चार लड़के हैं, लड़कों को मान लीजिए ए बी सी डी, ठीक है, तो ए से बी से सी से डी से, ठीक है। अगर आप इनको चार्ट बनाएंगे तो एक मिलाएंगे ए से, एक बी से, देखिएगा, ठीक है, फिर दो, ऐसे बहुत आसानी रहती है फर्स्ट टाइम समझने के लिए क्या चल रहा है। इसे आराम से ही सॉल्व करें, इस टाइप के क्वेश्चन है तो आराम से ही सॉल्व करें, क्योंकि एक्चुअली जनरल एप्टीट्यूड में कुछ सवाल आते हैं जो एक्चुअली में टाइम लेते हैं। अगर आपका एवरेज क्वेश्चन पे 1.5 मिनट का टाइम मिलता है तो कुछ क्वेश्चन आएंगे जो 2 से 3 मिनट लेंगे और वो पक्का लेंगे आप सॉल्व करें तो, लेकिन कुछ ऐसे आएंगे जैसे सीधे पूछेगा हमारी प्रधानमंत्री का नाम, राष्ट्रपति का नाम, तो 2 से 3 सेकंड में आप क्लिक मार के आगे बढ़ जाएंगे, वो समय यहाँ एनालाइज कीजिए। उस समय को कंज्यूम करने का सबसे आसान तरीका है उन क्वेश्चन पे कीजिए जो थोड़े से हाई लेवल लगे, जैसे ये देखिए टाइम कंज्यूमिंग तो है, जिनको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं आता तो उनके लिए सिंपल सा ऐसे चार्ट बनाएं एकदम मैट्रिक्स फॉर्म में, फिर 3A 3B ऐसे ही बनाते जाएं, एकदम आसान तरीका, ताकि हमें यह समझ में आए कि फॉर्मूला आया कहां से, है क्या भाई, फॉर्मूले चांद से नहीं तोड़े जाते। थ्री सी थ्री डी, फोर वन फोर टू फोर थ्री फोर, फोर ए फोर बी फोर सी फोर डी। अब देखिए हाथ मिलाने की बात की जा रही है, यानी अब दूसरा आप कोई दूसरा टेबल ये नहीं ड्रॉ कर सकते कि A1 से A2 से, क्योंकि देखिए A2 की बात की जाए तो 2A, मैं आपसे हाथ मिलाऊं या आप मेरे से हाथ मिलाए बात सेम है, तो टोटल नंबर ऑफ हैंड्स है 1 2 3 4 4 × 4 = 16, सिमिलर नंबर में अलाउ नहीं है, 4 × 4 = 16, यानी एक काप ले लें इतना से मिला रही है तो चार लड़कियां हैं × 4 = ये टोटल नंबर ऑफ 4 आया तो ये 4 × 4 = 16, ये चार हाथ मिला रही है तो चार, तीन और भी तो लड़कियां हैं तो 3 × 4 = 16। यहां से भी आप डायरेक्ट एक फिगर से भी आप एनालाइज करके आंसर निकाल सकते हैं, वरना अगर आपको ज्यादा डाउट है तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऐसे भी प्रैक्टिस कर लें, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन पे ध्यान दें, क्वेश्चन में अगर शर्त लगाते जाएंगे तो कंट्रीब्यूशन का होगा, पंक्चुएशन का होगा, या फिर नॉर्मल बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा। जस्ट इसके बाद ही अगर पंक्चुएशन पढ़ लेते तो अच्छा होता, लेकिन कुछ है क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन का प्रोबेबिलिटी भी जब हम पढ़ेंगे ना, मैथमेटिकल जब शुरू करेंगे बहुत प्रॉब्लम आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगा, एरिया आएगा, वेलोसिटी आएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे मैथमेटिकल में। अभी हम लोग थ्योरिटिकल चल रहे हैं तो थ्योरिटिकल देख लेते हैं। थ्योरिटिकल यानी कि क्वेश्चन पढ़ के उसको एनालाइज करके आंसर लाना है, ठीक है। अब इनको हम कर देते हैं 2, इनको कर देते हैं 5। अब आप इसको देखें, सॉल्व करें, देखिए गर्ल्स है 2 बॉयज है 5,
इन ए क्लास में टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक इज डैश इफ नो सिंगलर जेंडर हैंडशेक ईच अदर, समान लिंग के नहीं मिलाते, यानी दो लड़कियां हैं, एक ये हो गई एक ये हो गई, ठीक है, इनको भी लेंगे तो भी आंसर सही आएगा, दो को लेंगे, मिनिमम नंबर से लेंगे तो हमें क्या होगा कि ड्रॉइंग मतलब ढांचा तैयार करने में आसानी होगी, पहले एक को तैयार कर लेते हैं। ऐसे तो कोई भी जानता है 2 × 5 = 10 आंसर आ जाएगा, कब आप कॉन्फिडेंस कब लाएंगे, जब आप उस पे एनालाइज करके आंसर निकालना शुरू करेंगे। देखिए एक पांच लड़के हैं यानी ए बी सी डी ई तक, तो ए से मिलाया, बी से, सी से, डी से, ई से, यानी कितने हैंडशेक हुए 5। इसी तरह एक और है वो हाथ मिलाएगी, 5 = 10 आंसर कितना रहा 10। इसका आंसर कितना आएगा 10। देखिए इन्हीं सबसे फॉर्मूला बना है कम कंट्रीब्यूशन परमिशन ये सब, लेकिन एनालाइज फॉर्मूला एनालाइज करना सबसे जरूरी है, एनालिसिस ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीटिंग एंड मीटिंग ही हम लोग कर रहे हैं, देखिए 5 लड़के 2 लड़कियां हैं जो कि एक राउंड टेबल पे बैठे, सिटिंग ऑन ए टेबल, ऑन ए राउंड टेबल, 2 बॉयज आर सिटिंग टुगेदर, 2 लड़के एक साथ बैठ रहे हैं, मिनिमम गैप बिटवीन दिस गर्ल, तो इन जैसे ये टेबल है, यहाँ पे 2 लड़के एक साथ बैठेंगे, फिर एक लड़की, फिर 2 लड़के, फिर एक लड़की, ठीक है, कहीं भी बैठेंगे 2 लड़के एक साथ बैठेंगे, यहाँ एक लड़का बैठ गया, पहले तो अरेंज करना देखेंगे, क्वेश्चन सही है ना भाई, ये एक लड़की होगी, एक लड़की होगी, फोर बॉयज 2 गर्ल्स आर सिटिंग टुगेदर, 2 बॉयज आर सिटिंग टुगेदर, मिनिमम गैप बिटवीन दिस 2 गर्ल्स इज, देखिए ये ऐसे बैठेंगे 5, 2 ये 2 ये, तो मिनिमम गैप बिटवीन दिस 2 गर्ल्स
नॉर्मल बिना डायग्राम ड्रॉ किए आप बता नहीं पाएंगे। दो लड़कियों को बैठाना है राउंड टेबल पे, दो लड़के हमेशा एक साथ बैठ रहे, तो लड़कियों को इन दोनों के बीच भी बैठा सकते हैं। मिनिमम मैक्सिमम से कोई कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, यानी कभी भी इन दोनों के बीच दो लड़कों का गैप आना ही आना है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं, देखिए कितना सिंपल कितना ट्रिक है, लेकिन लोग इसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे लगते हैं सॉल्व करने। Three boys and four dogs in a park. Total number of boys and dogs pairs may be. Boy and dogs pair may be. देखिए, तीन लड़के हैं, चार डॉग हैं, तो इनका पेयर बनाना है, डॉग और लड़कों का पेयर बनाना है, तो कितने पेयर बन सकते हैं? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम नहीं जानते, तो नॉर्मल बनाएंगे। चार डॉग हैं, मान लीजिए लड़के एक है तीन, तो एक लड़का मान लीजिए डॉग ए, वही लड़का को पेयर कर सकते हैं डॉग बी के साथ। डॉग चार है, तो यानी ए बी सी डी, डी तक जाएंगे, तो एक लड़का फिर सी डॉग के साथ, ए लड़का डी डॉग के साथ। हम पेयर देखिए, रीजनिंग यहां पे रीजनिंग इसलिए पूछ रहा है कि हमें पता नहीं है कौन सा किस, तीन लड़के दिख रहे हैं, चार कुत्ते दिख रहे हैं, मानना है कि चारों पालतू हैं और तीन लड़के हैं, तो पेयर बनाना है, जो कि पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है कि कौन किसका कुत्ता हो सकता है। दो ए के साथ में भी हमें जानकारी नहीं है, दो बी के साथ, दो सी के साथ, दो डी के साथ, इसी तरह हम तीसरे को लेंगे, थ्री ए, थ्री बी, थ्री सी, थ्री डी, ठीक है। एक दो तीन चार, सेम वही प्रॉब्लम आ रहा है जैसे बॉयज गर्ल के साथ था, ठीक है। बस यहाँ पे पेयर वहां पे यूज कर रहा था हैंडशेक, यहाँ पे यूज कर रहे हैं टॉपिक पेयर, सॉरी पॉइंट पेयर, तो कितने आ रहे हैं? चार, एक के साथ चार का, तो टोटल कितने हैं? तीन, टोटल 12 पेयर बनेंगे। ये नॉर्मल पेयर बना के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो इन्हीं के हार्ड लेवल के प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करना सीखेंगे। अगले सेशन में हम कुछ ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि सीटिंग और मीटिंग दोनों को एक साथ कंबाइन करके होगा, कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन करेंगे, और यहाँ पे थ्योरेटिकल समझाने के लिए एक दो प्रॉब्लम ऐसे थे जिनका कोई मतलब नहीं निकल रहा, लेकिन अब अगले सेशन में जब हम पढ़ेंगे टोटल ट्रिक बेस्ड और माइंड वाले क्वेश्चन होंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।